शुक्रिया गुलाम मोहम्मद, ये सब बताकर तुमने हमें आगाह ही नहीं किया बल्कि तैयार भी कर दिया। पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुलाम मोहम्मद, शुक्रिया। तो गुरबख्श जी, क्या अब आप हमसे हाथ मिलाना चाहेंगे? जा प्रवाह, लोग हाथ मिलाकर दूसरे हाथ से खंजर का वार कर देंगे। गुलाम मोहम्मद गद्दार था, गद्दार है और गद्दार ही रहेगा। एक तरफ दोस्ती का हाथ और दूसरी तरफ गद्दारी का तमगा, हमें आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। समझ तो मैं भी नहीं पाया था गुलाम मोहम्मद कि कैसे यूं अचानक तुम्हारे मन में हमारे लिए इतनी वफादारी उमड़ आई। यूं तो शुक्र है कि वक्त रहते मेरी आंखें खुल गई और मेरा सामना सच्चाई से हो गया। आप गलत समझ रहे हैं सरदार मासूम जी, ये जरूर किसी की चाल है, जरूर किसी ने आपके कान भरे। कोई डर रहा है हमारी दोस्ती से, आप इस गलतफहमी का शिकार मत बनिए, यकीन कीजिए मेरा। तालाब में बड़ी मछली को कांटे में फंसाने के लिए छोटी मछली को ही चारा बनाया जाता है। अवध के सिखों को भी ऐसे ही चारा बनाया गया है। एक बड़ी साजिश रची जा रही है और शायद इस साजिश में इस गुलाम मोहम्मद का भी हाथ है। गुरबख्श सिंह मुझे रोक रहा था, मेरे अपने पुत्र ने रंजीत सिंह ने भी मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं सिर्फ अपने सिख भाइयों के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में सोच रहा था कि यह बदल गया होगा, पर ऐसा नहीं है। सरदार महासिंह जी, आप जरूर मुझे किसी और की नजर से देख रहे हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान हम नजरों से नहीं, अपनी रूह से निकली आवाज से करते हैं गुलाम मोहम्मद। और यहां खड़ा हर एक शख्स उसकी रूह तुम्हें सिर्फ सरदार मानती है। सरदार महासिंह जी, मान की भाषा भूलनी नहीं चाहिए। मेरी तुम्हें यही सलाह है गुलाम मोहम्मद, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अभी और इसी वक्त वापस लौट जाओ। अल्लाह हाफिज। सरदार महासिंह जी, आपसे हुई एक मुलाकात में ही मुझे एहसास हो गया कि छोटे सरदार ने अपनी सूझबूझ कहाँ से पाई है। आपकी महानता को वीर सिंह सलाम करता है। जब तक आप जैसा सरदार है, हमारी रियासत पर कोई आंख भी नहीं उठा सकता। महासिंह,
आज भले ही मैं तुम्हारी पीठ में खंजर भोंकने में नाकामयाब रहा, पर एक रोज मैं इस नाकामयाबी को कामयाबी में जरूर तब्दील कर दूंगा। उस दिन तुम दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं कर पाओगे। वाहेगुरु जी की बहुत बड़ी मेहर हुई सदा करे, जो वक्त रहते मां सिंह और रंजीत सिंह ने अपनी सूझबूझ से दोस्ती के चोले में छिपे गद्दार गुलाम मोहम्मद को पहचान लिया और अब आपके सामने आ रही है छोटी सरदारनी मेहताब कौर। बेबे, क्या तुसे भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? अपने जज्बातों को तलवार की नोक पर रखने वाले योद्धा गुरबख्श सिंह जी की आंखों में आंसू। और नहीं होए, और मर्द के आंखों में आंसू नहीं होते। अच्छा जी, तो फिर ऐसे हक्के बक्के खड़े नम आंखों से क्या देख रहे थे आप? पुत्र, जब तू जन्मी थी ना, इतनी सी थी, और इन्हीं हाथों में लेकर महल की छत से पूरी कन्हैया रियासत से मैंने कहा था कि ये है मेरी मेहताब कौर, मेरी बेटी, इस रियासत की बेटी। पर मुझे पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया और तुम इतनी बड़ी हो गई। पिताजी, बड़े होने पर तो मेरा काबू नहीं है, पर एक बात पक्की है, रहूंगी मैं हमेशा आपकी, बेबे की और इस रियासत की ही बेटी। अच्छा दसो, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सोनी। बेबे ने काश विसाखी के लिए गहने बनवाए हैं। हाय रब्बा, आपसे बात करते करते तो देर हो गई। मैं रंजीत सिंह से मिलने जा रही हूँ, उसे भी तो पता चले कि कन्हैया रियासत की छोटी सरदारनी के गहनों जैसे किसी के गहने नहीं है। सदा कौर, आज तक हमेशा मैंने तुमसे या तो मजाक किया है या नाराजगी जताई है, पर आज पूरी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। जो तुम मां होकर मेहताब के लिए कर सकती हो, वो मैं कभी नहीं कर सकता। श्रृंगार भी, शस्त्र भी, मुझे यकीन है तुम्हारी छाओ में मेहताब वो सारे गुण पाएगी जो एक सरदारनी में होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि रंजीत भी मेहताब पर उतना ही गर्व करेगा जितना मैं तुम पर करता हूं। मतलब ओहो, लगता है फिर से बेबे से बाल ठीक करवाने पड़ेंगे। रंजीत और मेहताब। हाँ सदा कौर, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत गहरी दोस्ती है दोनों की, जैसे मेरी और मां सिंह की। और मुझे लगता है अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देनी चाहिए। हमारी मेहताब के लिए रंजीत से बेहतर मुंडा पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा सदा कौरे।